जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टूडियो में। दोस्तों, जो एंट्रेंस एग्जाम्स हुआ था LLB का या फिर MMET का, बी फार्मेसी या डी फार्मेसी का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट के साथ साथ आपकी काउंसलिंग लेटर भी इश्यू हो चुकी है। तो जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा है या जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वो काउंसलिंग करा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। तो सारी प्रक्रियाओं भी बात करी जाएगी। पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो अवध विश्वविद्यालय की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप आते हैं, रुको ओके, तो फिर यहाँ से आने के बाद आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कैंपस एडमिशन में आएंगे और कैंपस एडमिशन में आने के बाद आपको आना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको साफ यहाँ पे दिख के दिखाई दे रहा है, एंट्रेंस रिजल्ट डिक्लेयर, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ लॉ 3 साल का जो था, और मास्टर ऑफ एजुकेशन MMET का। तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट चेक करूँगा आपके सामने। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया एक बच्ची का, अपने ग्रुप की मेंबर्स हैं और बहुत खुशी होती है जब ऐसे रिजल्ट आता है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और हम यहाँ पे डालते हैं रोल नंबर, और रोल नंबर डालने के बाद फिर डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। और इस रिजल्ट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये जिक्रा हसीन का रिजल्ट है और इनके MMET एंट्रेंस एग्जाम 127 नंबर आए हैं। टोटल अगर रैंक की बात करें तो रैंक इनका 11 रैंक है। तो जनरल कैटेगरी में 11वां रैंक है इनका। अगर ये जनरल कैटेगरी में 11 रैंक है, मतलब डेफिनेटली आसानी से इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर ये इंटरेस्टेड है तो काउंसलिंग करा सकती है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जिक्रा हसीन, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके लिए आया। 11 रैंक आया है इनका एंट्रेंस एग्जाम। अब आगे की प्रक्रिया क्या करनी है आपको, अगर आप किसी भी कोर्स की बात करें, अगर आपको किसी भी कोर्स में आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, रिजल्ट आने के बाद आप इंटरेस्टेड हैं आप एडमिशन कराने में, फिर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आप काउंसलिंग से संबंधित एक नोटिफिकेशन है, काउंसलिंग स्केड्यूल फॉर MMET, LLB, LLM, डी फार्मा, इन सब के लिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब आपका कोर्स क्या है, आपने कौन से कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था। अगर इनका हम बात करें तो इन्होंने MMET में दिया था, तो ये कौन से रैंक में बिलोंग करती हैं। जैसे MMET की बात करें तो 31 तारीख को, MMET में ध्यान से देखिए, 31 तारीख को 10 बजे सुबह आपको पहुंच जाना है। अगर आपका रैंक 1 से 100 के बीच में आता है, 1 से 100 के बीच में अगर आपका रैंक है, तो आपको 31 तारीख को 7 बजे सुबह 31 तारीख को सुबह 10 बजे आपको चले जाना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लेके जानी है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मैं तो यही कहूँगा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक BEd का अगर आपके पास रिजल्ट है तो रिजल्ट ले लिए, ऐसे नहीं होगा तो आप अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे डाला है, OBC मेंशन किया है, तो आपको OBC के कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगे, बाकी क्या कुछ नहीं। आधार कार्ड, अपना फोटो ले लीजिएगा 2-3, और कुछ पैसे ले लीजिएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन वहाँ पे शुल्क लगता है, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हो इंपॉर्टेंट वहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड, फोटोज, बस यही खास इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रैंक MMET में अगर बिलोंग करता है तो 101 से लेकर 250 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको नेक्स्ट डे जाना है, यानी कि 1 अगस्त को जाना है। अगर आपका रैंक 251 से 300 के बीच है तो आपको जाना है 2 तारीख को, और उसके अलावा अगर 300 के बाद 480 तक आपका रैंक है तो आपको जाना है 3 तारीख को, और 481 से 684 तक अगर आपका रैंक है तो आपको जाना है 4 तारीख को। तो एडमिशन की बात करें तो अगर आपका 684 तक रैंक है तो डेफिनेटली आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा, और इसके बाहर शायद ही किसी का होगा क्योंकि बच्चे भी इतने ही थे लगभग। तो एडमिशन आपका हो जाएगा, इसमें आपको चिंता नहीं करना है, आपको बस काउंसलिंग पे जाना है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर मान लीजिए आपका रैंक बहुत अच्छा है और आप 31 तारीख को मिस कर देती हैं, 31 को मिस कर देंगी तो फिर आपको वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, वो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की सीट बहुत कम होती है, मैक्सिमम 20 से 30 या 35, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता, उनकी फीसेस कम होती हैं, बाकी के सबके फीस समान होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा, 31 से जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, हर एक कॉलेज की बात करूँ, आप एक काम करिएगा, आप पहले गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है तो आप वहाँ पे जाके एक बार बात कर लीजिएगा कि क्या क्लास की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप अपना सिंपली बताइए कि मैं ये काम करता हूँ, ये काम करती हूँ, मैं रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगी। अगर वहाँ से वो कहते हैं कि ठीक है वो मैनेज कर लेंगे, फिर आप एडमिशन लीजिएगा। अदरवाइज़ आप उन कॉलेज में अप्रोच करिए जहाँ पे आपकी सहूलियत के अनुसार अगर आपको क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो वो इस बात की छूट दे, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज वाले वो बुलाते हैं, वो रेगुलर क्लास बुलाते हैं। मगर आप एक बार बात कर लीजिएगा, क्योंकि आपका रैंक बहुत अच्छा है, फीस कम हो जाएगी, आप एक बार बात जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए दोस्त। इसी तरीके से अगर हम डी फार्मेसी की बात करें तो डी फार्मेसी भी, जैसे जिनका रैंक 100 और 138 के बीच में है, वो यहाँ पे 10 तारीख को 26 को काउंसलिंग है उनका, बाकी के अगले तारीख। तो इस हिसाब से आप जो भी आपका कोर्स रहा हो, जो भी आपका रैंक रहा हो, जो भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, इस हिसाब से आप अपना डेट देख लीजिएगा, सुबह 10 बजे पहुँच जाइएगा, किसी भी हाल में लेट मत करिएगा, पहुँच के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, काउंसलिंग करा लीजिएगा, फिर जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको पैसे पेमेंट करने हैं।
तो ये हो गई संपूर्ण जानकारी इससे संबंधित, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, एडमिशन ले लीजिएगा, मिस मत करिएगा, ले लीजिए। देखिए वक्त निकल जाता है, पढ़ाई उसमें पूरी हो जाएगी, सोचेंगे तो हम सोचते रह जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने लास्ट टाइम बीएड किया था और एक साल देखते देखते निकल गया और उनका एमएड नहीं हो पाया। अगर कहीं भी एडमिशन होता तो कम से कम एक साल यूज़ में आ जाएगा। बाकी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो करते रहिए, एडमिशन आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी कोई समस्या, जानकारी, सुझाव चाहिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से जो भी हो सकेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एडमिशन ले लीजिए। जय जय भारत।